सो हाय गाइस, आज मैं कर रही हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे नानी हाउस स्पेशल। तो मैं आज गई थी नानी हाउस, इसलिए मैंने सबसे पहले खाई 12 बजे ही मैंने खाई थी आलू की परोंठी। उसके बाद हम ना दुकान पर गए थे जिसका नाम हमने आंटी की दुकान रखा है, आंटी होते वहाँ पर, इसलिए वहाँ से मैं माजा लाई थी। मैंने माजा भी और मैं आपको बताऊँगी। फिर उसके बाद मैं चुपा चुप लाई थी गोल वाले, मेरे को इसका ऑरेंज वाला फ्लेवर इतना मतलब बेकार ही लगता है, मेरे को ऑरेंज फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने रेड निकाला। आपने देखा होगा मैंने ऑरेंज अंदर रख दिया, तो ये भी अच्छा था पर इसका ऑरेंज फ्लेवर बहुत बेकार था, बाकी सारे अच्छे। उसके बाद है मेरा वेरी मच फेवरेट किट कैट इन मतलब ये बहुत अच्छा लगता है मुझे किट कैट। अभी मैं मतलब ऐसे इतने अच्छी तरह से खाती हूँ ना, मैं बीच में से पहले ही तोड़ लेती हूँ। सो ये मैंने किटकैट खाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, होता ही है। फिर उसके बाद मैंने क्या नाम है, शाम को मैंने ना चीज़ मैगी खाई थी। ये हम ना वहाँ पे जैसे नानी हाउस आते हैं ना, हम ना चीज़ वाली मैगी बनाते हैं। ये मेरे कजन्स खा रहे हैं, दादी ही बिल्कुल मिर्ची नहीं खाती, कुछ आनों में मिर्ची वाली खा रहे थे मैगी, और मैंने ऊपर से चीज़ भी डाली थी। और फिर रात में मैंने घर आके खाया आलू की परोंठी, चिकन एंड पालक पनीर। सो इसी से मेरा व्लॉग एंड होता है। अगर आपको और व्हाट आई ईट इन अ डे देखना